हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली करने के निर्देश आते ही एक बार फिर मालिनी मलिन बस्ती और बलूबरपुरा के निवासियों की नींद उड़ गई है। हर किसी को अपने आशियाने उजड़ने की चिंता सता रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को इस हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर गत 1 नवम्बर को अंतिम सुनवाई के साथ ही निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। रेलवे उन्हें हटाने के लिए एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए मौके दिए। दूसरी ओर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर लगभग 4,365 अतिक्रमणकारी मौजूद है और रेलवे ने PP Act के तहत सभी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया है। हाईकोर्ट ने निर्णय जारी करते हुए रेलवे की भूमि को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि रेलवे 1 सप्ताह के अंदर नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाए। वहीं इस पर विधायक सुमित रुद्रेश सहित यहां निवासरत लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। घर उजाड़े जा रहे हैं तो हमें घर दिए जाएं, हम अपने जरा जरा सारे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें जमीन दें या तो फिर हमें यहीं रहने दें। हम यहाँ बहुत सालों से रहते चले आ रहे हैं, हम पैदा यहीं हुए, हमें यहीं मरना है और यहीं जीना है, वरना हमें उखाड़ेना है यहाँ से। हम यहीं मरना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए, वरना हमें जगह दी जाए कहीं। हल्द्वानी 70% नजूल है, वहाँ पे उन लोग पे कागज थे सबूत के साथ कि ये नजूल भूमि है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि रेलवे और राजस्व का संयुक्त सीमांकन करें। राजस्व की भूमि जो होती है सरकारी भूमि होती है और नजूल हल्द्वानी 70% और जिसमें सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, नजूल मुसलमान भी रह रहे, सिख भी रह रहे, ईसाई भी रह रहे, बिल्कुल नहीं। सीमांकन तो रेलवे ने एफिडेविट सबमिट करा है कि हम सीमांकन कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो अंदाजन लगा दिए, जो खंभे उनके लगे थे अंदाजन लगा दिए उन्होंने, सीमांकन तो है नहीं।